मुख्य मंत्री मीत हेयर नवांशहर विखे अपनी पेशी भुगतन आया तो इस समय 22 नंबर चैंबर विच ओ वकील कटारिया के चैंबर विच बैठे ने। असी कोशिश करते हैं कि अंदर जाके उन्होंने गलबात करिए। तुहाडे दो सवाल जरूर लैने कि एक तो किताबा जिहड़ियां महंगीआं मिलदियां, दूजी गल ये है कि जेडे आम व्यक्ति नवांशहर विच जिहड़ा वितकरा हो रहा जनरल कास्ट नाल उहदे रिगार्डिंग जिहड़े आ धरना ला के बैठे उहदी गल करांगे। और तीजी गल ये है कि मीत हेयर उन्हां दा अज बर्थडे आ, उन्हां नूं बर्थडे विश भी करदे। पर तुहाडा जिहड़ा सब तों वड्डा सवाल आ कि किताबां महंगीआं मिलदियां, वर्दियां महंगीआं मिलदियां, उह सवाल पुछण दी कोशिश करदे। तां अंदर चलदे आ। पिछले 5 साल दौरान बड़े जिहड़े ऑपोजिशन की आवाज़ नूं दबाउण दे लई बड़े जिहड़े झूठे केसिस जिहड़े वो फाइल किए गए, तकरीबन साढ़े जिन्हें भी MLA ने जिन्हें भी मूहरी वर्कर है सारिया के वक् वक् जिले जिहड़े है वो केस चल रहे, वो सारे इदा के सी जिहड़े जदों भी कोई असी कोई लोगों की गल करते जिहड़ा फेक कोविड का बहाना ला के जिहड़ा कोई होर जी इन्हां ने जी ज़्यादा घट करता वायोलेशन करती इदा जिहड़े FIR जिहड़ियां दर्ज कीती गई। सो उस तरह का कई केस जिहदे तों अज मानयोग जज साहब ने सानू जिहड़ा बरी कर दिता, जिन्हें जनरल वर्ग नूं जिहड़ी है बिजली मुफ्त दित्ती है। असी तां हर एक नूं जिहड़ी है सहूलत वह देना चाहुंदे आ, क्योंकि असी कमिटमेंट कीती सी भी जिहड़ी 600 यूनिट बिजली है वह असी सारिआं नूं देवांगे। सो जनरल वर्ग की अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब सारे वधाई दे पात्र ने जिन्हां ने पहली बारी जनरल वर्ग नूं जिहड़ी मुफ्त बिजली आ दित्ती है। क्योंकि कई इदां दे हरेक हलके दे विच रूड़ी साहब साडे MLA साहब बैठे आ, बल्लू जी बैठे आ, इदां दे किन्ने जनरल परिवार साडे कोल आउंदे आ, मान लो कि जिहड़े कह लो भी दिहाड़ी करदे आ, उहनां दा जिहड़े हैंड टू माउथ ने, कोई 5,000 दी नौकरी करदा, कोई 10,000 दी नौकरी करदा, ते बिजली दीआं दरां बड़ियां महंगीआं सी ते उह कित्थों हरेक महीने दा 5,000 बिल भरन, कित्थों हरेक महीने दा 10,000 बिल भरन। सो उन्हां लोकां दी बड़ी वड्डी जरूरत सी कि जिहड़े बिजली दे जिहड़े बिल ने वो माफ़ होण। सो असी मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद करते हैं कि पहली बार जिहड़े जनरल वर्ग नूं जिहड़ी राहत है वो दित्ती गई। सर एक सवाल, सब तों पहला तुहाडा बर्थडे आ, तुहानूं हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, तुसीं अज बरी भी होए। थैंक यू। ते नाल दूजी गल, तुसीं कहा कि रौड़ी साहब बैठे आ, ललितपुर पाठक जी बैठे आ, तुहाडी नॉलेज दसदा कुछ लोग DC दफ्तर के बाहर भी बैठे जिहड़े कहिंदे आ कि जनरल कैटागरी में वितकरा किया जा रहा, उहदे ते की कहोगे तुसीं? उह कहिंदे कि जात पात तों कटणा सी पर बदलाव आउण वाला जात पात वंडे आ जांदे। मेरी गल सुणो, इस तों पहलां चाहे अकाली दल की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है ना, उत्थे केवल तो केवल जिहड़े SC BC जिहड़े वर्ग लई सी उन्हां लई बिजली माफ़ सी, जनरल वर्ग नूं तां कुछ भी नहीं सी मिलता। पर छे जे पहली पहली बार किसी ने जे जनरल वर्ग नूं कोई सहूलत दित्ती है तां सानूं सारिआं नूं जिहड़ा एप्रीशिएट जिहड़ा उह करना चाहीदा हैगा। बस देखो बड़ी जल्दी, देखो साडी तां हजे सरकार बणी नूं हजे महीना होया मैनूं कुर्सी नूं संभाले नूं, थोनू सारिआं नूं पता है कि मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस किया कि 25,000 जिहड़ियां असामियां ने भरियां जा रही, 25 भी सानूं जिहड़ा होगा शायद 30,000 असामियां नवीं निकल रही हैं, उहदे विच तकरीबन 10,000 तो उपर जिहड़ियां असामियां टीचर्स दीआं। देखो हुण इह आए तां है नहीं भी इत्थों नाल दी नाल बुला के किसे नूं कह देंगे भाई पढ़ाउण लग जा, एक प्रॉपर प्रक्रिया हैगा, टैसट होगा, उहनूं समां लगदा। पर साडा जिहड़ा मेन एजेंडा उह एजुकेशन एंड हैल्थ है, असीं जिन्नियां सरकारी असामियां खाली है आने वाले 2-3 साल के सारिया जिहड़ियां भरिया जाएगियां, तो एजुकेशन सिस्टम में जो बेहतर है वह बनाया जाएगा। बहुत जरूरी है सर एजुकेशन के रिलेटेड, मान साहब ने बहुत अच्छा जो बयान जो ऐलान किया, लेकिन उस बाद नवें शहर के लोगों का खदशा है, किताबा भी महंगी मिल रही, वर्दियां भी महंगी मिल रही, कहते भी बिल्कुल राहत नहीं मिली। असी जी जो कोई स्कूल इस तरह की उलंघना कर रहे, कल भी आया तकरीबन बड़े स्कूलों से जोड़ा असी उन्होंने नोटिस है जोड़ा वह लै रहे हैं, बाकी बड़े ही जल्दी आने वाले समय से असी नवा एक्ट है जोड़ा वो बना जा रहे हैं, जिदे च क्योंकि बड़िया कमियां पिछलियां पिछलियां सरकारां ने जिहड़ियां वो एक्ट दे विच छड्डियां ने, वो कमियां पिछियां दूर करांगे।
एक अच्छा एक्ट बना के जेडे चंगे एजुकेशनिस्ट है उन्होंने सलाह लैके होर जेडे कोई लोग एक्सपर्ट ने उन्होंने सलाह लैके एक नवा एक्ट बनेगा जिदे विच कोई कमी पिछे छड़ी जाऊगी तो उन्होंने जोड़ा लागू है पूरी तौर पर किया जाऊगा। हरियाणा के आम आदमी प्रभारी ने कहा कि इस सोयल का पानी जो है जितने के बाद देवे हरियाणा असं पंजाब के कहने पानी पंजाब का तुक्का भी नहीं जान देते। असी देखो पार्टी बाद चो है असी पहला पंजाबी हाँ पंजाब के पूरे तरह जो पानिया का हक है जोड़ा वो पंजाब का पंजाबियों का। दोस्तों तुसी पूरी वीडियो देखते आ रहे हो शुरू तो मेरे तो पहले इस कुर्सी पर सिक्ख्या मंत्री साहब बैठे सन तुहानू पता असी उन्हां तों सवाल लै लिया जिहड़ा तुसी गल करदे हो कि फीसां विच हाले कोई कटौती नहीं हुई है किताबां दे रेट वध रहे हैं वर्दियां दे रेट वध रहे हैं तो जिहड़ी जनरल कैटागरी की आवाज़ सीगी कि सानू क्यों वांझे कीते जा रहे जिहड़ा बिजली दी दरां जिहड़ियां घट कीतियां उहदे तों तां सवालां दे जवाब जिहड़े दे दित्ते तुसी सुण लै लेकिन अज्ज सिक्ख्या मंत्री साहब अपनी पेशी भुगतन आए सी और उन्होंने अज्ज बरी वो हो गए ने बरी कराया जी सुरेश कटारिया जी ने वकील साहब साढ़े नाल पुछ लेने अंदर किहोजा माहौल सी ते सिक्ख्या मंत्री साहब के अंदर भाव किहोजा सी किवें महसूस कर रहे सी असीं सुरेश कटारिया जी तो जानते हैं। सर बहुत निघा स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी तुहाडा ते पी 32 चैनल का। अज्ज उन्होंने पेशी सी जी उन्हों का केस जिहड़ा 2020 तो केस चल रहा सी और केस इन्हां दे क्योंकि सरकार आम तौर पर धक्का कर जानी है वो एफ आई आर रजिस्टर्ड हुई सी पी एस सिटी नवांशहर में एफ आई आर रजिस्टर्ड हुई सी जिहदा लगातार ट्रायल चल रहा सी पिछली तरीक ते उहदी एविडेंस कंप्लीट होने तो बाद अज्ज वो केस आर्गूमेंट्स ते लगा सी ते प्रोसीक्यूशन वालों जिहड़े काफ़ी लकूना सी और तत्थां दी कमी के कारण अज्ज बेनीफिट ऑफ डाउट उन्होंने मिलिया है और वह मानयोग अदालत ने उन्होंने इंसाफ दे के उन्होंने वरी कर दिता। मैं सुना अंदर बहस भी हुई जी कल। हाँ जी हाँ जी अज्ज बहस हुई है काफ़ी अद्धा पौना घंटा बहस बरी कोर्ट ने कर दिया जी उन्होंने। चलो इन्होंने बरी कराया लेकिन मैं तो सोचता सी कि जे एक अद्धी पेशी होर पैदी असीं लोगों के सवाल होर लै लैंदे। चलो जी ये तो कोर्ट का फैसला है दिनेश जी क्योंकि जज साहब ने जो ठीक समझना है जो उन्होंने लगना उन्होंने उस हिसाब से फैसला करता है। कोई तुहाडे नाल स्पैशल गल करके हुण गए हुण सिक्ख्या मंत्री साहब नवें शहर में लैके क्योंकि तुसीं नवां शहर लई एक तो जी टीचर्स की डिमांड सीगी उन्होंने उत्थे क्योंकि जी सैलरी डिसबर्स नहीं हो रही और क्योंकि उन्होंने को जिहड़ियां डीओ पावर है इस टाइम किसी को है नहीं कहिंदे मैं जल्द तो जल्द करावांगा और जी एजुकेशन के संबंध में जिन्ना भी बद तो बद सुधार हो कहते मैं नवा शहर वाल विशेष ध्यान रखूंगा। चलो बहुत शुक्रिया। तो यह सन सुरेश कटारिया जी अज इन्होंने सिक्ख्या मंत्री साहब नूं बरी करवा दिता और बहस भी हुई अंदर बहस में इन्होंने परपक् तरीके जिहड़ा सिक्ख्या मंत्री साहब का पक्ष से उन्होंने पुटअप किया। हालांकि सिक्ख्या मंत्री साहब अगली बार कदों आउणगे असीं कोशिश करेंगे कटारिया साहब तो भी पुछ लईए तो आम आदमी पार्टी भी पुछते रहेंगे लेकिन तुम बने रहना भी 32 नवा शहर अपने छोटे भी दिनेश सूरी कैमरा परसन में जी को इजाजत बहुत जल्द फिर तो जुड़वा सत श्रीकाल।